हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 में इतिहास विषय का लेसन नंबर 2, और उसके दौरान हम पढ़ रहे थे हर्ष का शासन प्रबंध। हर्ष के शासन प्रबंध के दौरान हमने पढ़ा था उसका मंत्रिपरिषद, उसका सचिवालय, उसकी सेना, उसके साम्राज्य के भाग और फिर करों का हमने उल्लेख किया था। किस प्रकार से वो 3 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है जिसमें भाग, हिरण्य और बलि थे, और किस प्रकार से ये भाग, हिरण्य और बलि किस किस क्षेत्रों से प्राप्त किए जाते थे उसका भी हमने वर्णन किया था। और अंत में हमने पढ़ा था कि भूमि को 4 भागों में, ह्वेनसांग ने लिखा है कि भूमि को 4 भागों में बांटा जाता था, और उसमें किस प्रकार से उस भूमि के से जो प्राप्त आय होती थी उसका किस प्रकार से वो प्रयोग करते थे भी। तो आज हम पढ़ेंगे दंड विधान, यानी कि हर्ष के शासन प्रबंध के दौरान दंड विधान, दंड का विधान कैसा था, किस प्रकार से दंड दिए जाते थे उसका वर्णन है। दंड विधान में है ह्वेनसांग, यह भी बताता है कि अपराधी और विद्रोहियों की संख्या बहुत ही कम थी। ह्वेनसांग के अनुसार कि हर्ष के शासन प्रबंध के दौरान जो विद्रोहियों की संख्या और अपराधियों की संख्या बहुत ही कम थी, जब कानून तोड़ा जाता था तो अपराधियों को दंड दिया जाता था, शारीरिक दंड नहीं दिए जाते थे। अपराधियों को जीवन जंगलों में बिताने के लिए नगर से निकाल दिया जाता था, और छोटे मोटे जो अपराध करता था उसको थोड़ा सा जुर्माना किया जाता था। अभियुक्त से अपराध स्वीकार कराने के लिए यंत्रणा नहीं दी जाती थी, कोई भी यंत्रणा नहीं दी जाती थी, प्रताड़ित नहीं किया जाता था उसे, और परीक्षा द्वारा अपराध की जांच करने का, परीक्षा द्वारा अपराध की जांच करने का ढंग भी प्रचलित था। सरकार जनहितकारी थी और सरकारी ज़रूरतें कम थी। सरकार जनहितकारी थी, जनता के हित को ध्यान में रखने वाली थी, और सरकारी ज़रूरतें बहुत ही कम थी। सरकार प्रजा के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करती थी, जो सरकार है वो प्रजा के या आम लोगों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करती थी। आगे है ह्वेनसांग का भारत विवरण। तो ह्वेनसांग ने अपनी जो पुस्तक है उसमें किस प्रकार से भारत का विवरण दिया है। ह्वेनसांग चीनी बौद्ध यात्री था जो हर्ष के समय भारत आया, वह बौद्ध स्थलों के दर्शन एवं बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत आया था। वह बौद्ध स्थलों के दर्शन करना और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य था, और इसी के उद्देश्य से वो भारत आया था। उसने भारत के संबंध में निम्नलिखित विवरण दिया। तो ह्वेनसांग ने, जो एक चीनी बौद्ध यात्री था, वो भारत हर्ष के समय भारत आया, और उसका मुख्य उद्देश्य था बौद्ध स्थल के जो दर्शनीय स्थल हैं उनके दर्शन करना और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना। तो उसने भारत के संबंध में निम्नलिखित विवरण दिया है, वर्णन दिए हैं भी। तो सबसे पहले है सामाजिक स्थिति। तत्कालीन समाज 4 भागों में विभक्त था। उसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र
इन चार वर्गों में विभाजित था, जो कि प्राचीन परंपरा है भारत की। प्रथम तीन वर्ण समृद्ध थे, जो प्रथम तीन वर्ण थे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, वो थोड़े आर्थिक स्थिति से मजबूत थे। वे स्वच्छता रहन सहन पर ज़्यादा ध्यान देते थे। शूद्र खेती व परिचर्या का कार्य करते थे, सेवा वगैरह का। समाज में शुद्ध भोजन तथा नैतिक चरित्र पर बल दिया जाता था। प्याज लहसुन व मांस खाने वालों का निवास शहर से बाहर था। अंतरजातीय विवाह प्रतिबंधित थे। तो इस प्रकार थे, ये था हर्ष के समय का सामाजिक जीवन, जिसके अनुसार हवेन संकेन अनुसार। आगे है आर्थिक पक्ष, धन धाने की दृष्टि से। भूमि उर्वरा थी तथा लोग समृद्धशाली थे। भूमि उर्वरा थी और लोग समृद्धशाली थे। सोने चांदी के सिक्कों एवं सामान्यतः कौड़ियों का मुद्रा के रूप में प्रचलन था। सोने चांदी के सिक्कों एवं अन्य चीज़ों का भी क्या था, प्रचलन था भी। आगे है वस्त्र उद्योग का व्यवसाय उन्नत था। वस्त्र और उद्योगों का व्यवसाय जो उन्नत था, बहुत ही अच्छी कंडीशन में था, अवस्था में था। समाज में श्रेणी व्यवस्था प्रचलित थी। ताम्रलिप्ति, भाड़वंश, पाटलिपुत्र आदि शहर व्यापारिक केंद्र थे। चीन, मध्य एशिया, पश्चिम से भारत के व्यापारिक संबंध थे। कपड़ा, मसाले निर्यात एवं कपड़े और मसालों का निर्यात एवं घोड़े सोने चांदी आयात की प्रमुख वस्तुएं थी। कृषि कर उपज का 1/6 भाग होता था। अब आगे है धार्मिक जीवन। ज्ञान की खोज धार्मिक जीवन का मुख्य लक्ष्य था। भारत में ब्राह्मण धर्म का प्रभाव था। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म भी प्रचलित थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी क्या थे, प्रचलित थे, यानी कि ये धर्म भी काफ़ी प्रसिद्ध थे, यानी कि इन धर्मों का भी भारत में खूब आदर होता था और इस धर्म के लोग भी यहाँ रहते थे भी। राजा प्रजा धर्म से सहिष्णु थे। बौद्धों में महायान प्रभावी हो गया था। सभी धर्मों में मूर्ति पूजा प्रचलित थी और जब सभी के सभी धर्म थे, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे कोई भी धर्म हो, तो सभी में मूर्ति पूजा प्रचलित थी भी। ब्राह्मण धर्म में यज्ञ एवं गायें आदरणीय थी। ब्राह्मण धर्म में यज्ञ और गायें आदरणीय थी, इनका आदर किया जाता था। आगे है राजनीतिक जीवन। शासन पद्धति हितकारी सिद्धांतों पर आधारित थी। जो शासन पद्धति थी वो हितकारी सिद्धांतों पर आधारित थी। राज्य की आय राजकार्य चलाने, वेतन, पुरस्कार तथा दान आदि में खर्च होती थी। जो राज्य की आय थी वो सरकारी जो काम चलाने होते थे, राज्य के जो कार्य चलाने होते थे, उनमें किसी को वेतन देना है, किसी को पुरस्कार देना है या किसी को दान आदि देना है, तो इसी में खर्च होती थी। हर्ष की राजकार्यों में व्यक्तिगत रुचि थी। हर्ष की
राज कार्यों में जो सरकारी काम थे उसके उसकी व्यक्तिगत रुचि थी। वह निरीक्षण यात्राएं करता रहता था, दंड नीति उदार थी, जो दंड देने की जो नीति थी वो बड़ी उदार थी, बड़ी दयालु प्रवृत्ति की थी, यानी कि किसी को शारीरिक रूप से दंडित नहीं किया जाता था। अपराध कम होते थे, कुछ अपराधों में कठोर सजा थी, यानी कि कोई ज़्यादा घोर अपराध करता था तो उसी कंडीशन में उसको कठोर सजा भी दी जाती थी। हर्ष के पास विशाल सेना थी। आगे उसकी शिक्षा, शिक्षा विहारों व गुरुकुल के माध्यम से दी जाती थी। वेदों का पाठ मौखिक होता था, यानी कि वेदों का जो पढ़ने की प्रक्रिया थी वो मौखिक होती थी। ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी। शिक्षा में संस्कृत भाषा तथा वाद विवाद प्रचलित थे। नालंदा एवं वल्लभी, नालंदा और वल्लभी ये जो दो प्रमुख स्थान हैं जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, आगे है हर्ष का मूल्यांकन। हर्ष पुष्यभूति वंश के शत्रुओं एवं हूणों का सामना, सामंतवाद को नियंत्रित करना, उत्तर भारत में एकता व कानून व्यवस्था स्थापित करना, अर्थव्यवस्था को अनुप्राणित करना, विदेशी व्यापार एवं प्रशासन को दक्ष यानी कि सक्षम बनाना, काबिल बनाना, सक्षम व उत्तरदायित्व युक्त बनाना आदि अपने समय की समस्याओं व प्रवृत्तियों से पूर्ण रूप से भिज्ञ था, जानकार था। हर्ष ने तत्कालीन समस्याओं के समाधान का अथक प्रयास किया। इस हेतु हर्ष ने बड़ी सेना का निर्माण किया, शत्रुओं को परास्त किया एवं उत्तरी भारत को एकता के सूत्र में बांधा। उन्होंने शत्रुओं को परास्त किया और उत्तरी भारत को एकता के सूत्र में बांधा। कनौज एवं प्रयाग में धर्म सभाओं के माध्यम से सामाजिक एकता व सहिष्णुता को प्रोत्साहन दिया, बढ़ावा दिया तथा दान के माध्यम से जन कल्याण किया, जनता का कल्याण किया एवं धन का पुनर्वितरण किया, चीन आदि देशों में प्रतिनिधि मंडल भेजकर अर्थव्यवस्था व साहित्य संबंधों को सुदृढ़ किया, मजबूत किया। हर्ष साहित्य व विधा का महान संरक्षक था। उसको पालने वाला था। आगे है हर्ष एक महान सेनापति, कला एवं साहित्य का संरक्षक और कर्ण जैसा दानी सम्राट था। और कर्ण जैसा बहुत ही दानी सम्राट था, यानी कि दान करने वाला था।
युग की प्रवृत्तियों के अनुरूप अपनी नीतियों को ढालने का प्रयत्न किया। युग की प्रवृत्तियों के अनुरूप अपनी नीतियों को ढालने का उसने प्रयत्न किया, प्रयास किया एवं आजीवन लोक रंजन में संलग्न रहा। हर्ष स्वयं व्यक्तिगत रूप से शासन प्रबंध देखता था, यानी कि वो खुद शासन प्रबंध देखता था। जनहित यानी कि जनता का हित उसके राज्य का प्रमुख उद्देश्य था। सामंत शाही शक्तियों के नियंत्रण हेतु उसने भ्रमण किया तथा केंद्रीय शासन को, जो सेंट्रल शासन था उसको उसने बहुत ही सुदृढ़ किया, मजबूत किया। भ्रमण एवं दान के माध्यम से हर्ष ने ग्रामीण विकास को गति प्रदान की, यानी कि गांवों के विकास के लिए भी उसने बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किए, गांवों की विकास को गति प्रदान उसने की तथा जनता से उसने सीधा संपर्क स्थापित किया। इस प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हर्ष ने जन कल्याण उत्पादन की शक्तियों को, जनता के कल्याण की उत्पादन की शक्तियों को प्रोत्साहित किया, उनको बढ़ावा दिया, अर्थात उनके लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास उसने किए। आगे है, हर्ष के समय तिब्बत, चीन तथा अन्य एशियाई देशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। चीन में हर्ष ने प्रतिनिधि मंडल भेजे। हर्ष नालंदा विश्वविद्यालय का मुख्य संरक्षक था, उसकी देखभाल करने वाला था। इसके अलावा वल्लभी सहित अनेक गुरुकुल आश्रम एवं शिक्षा के जो केंद्र हर्ष के समय विद्यमान थे, उपस्थित थे। इस प्रकार हर्ष की उपलब्धियां व्यापक और बहुआयामी थी। हर्षवर्धन सातवीं शताब्दी की भारतीय राजनीति का सर्वश्रेष्ठ नायक था, यानी कि भारतीय राजनीति का ये स्वर्णकाल था। एक श्रेष्ठ योद्धा, साम्राज्य का निर्माण करने वाला, कुशल प्रशासक, लोक कल्याणकारी और विद्यानुरागी शासक के रूप में, यानी कि विद्या के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम था, विद्यानुरागी शासक के रूप में सभी विद्वान उसकी प्रशंसा करते हैं। आर.एस. त्रिपाठी उसकी तुलना अशोक समुद्रगुप्त से करता है। आर.एस. त्रिपाठी उसकी तुलना अशोक और चंद्रगुप्त से करते हैं भी। आगे अंत में है, अतः हर्ष ने युग की धाराओं को बदलने एवं नई प्रवृत्तियों को जन्म देने का प्रयास उसने किया
तथा आजीवन लोक कल्याणकारी कार्यों में संलग्न रहा, लेकिन फिर भी वह पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा। इसका कारण उसकी अयोग्यता नहीं बल्कि ऐसी प्रवृत्तियों का उदय होना था जिनके उत्थान व पतन के लिए एकमात्र व्यक्ति या युग विशेष रूप से उत्तरदायी नहीं होता है। इस प्रकार हर्ष अपने श्रेष्ठ कार्यों के कारण ही अंतिम हिंदू सम्राट कहा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। तो हवेन सांग का भारत विवरण, ये प्रश्न आपको करना है। हवेन सांग का भारत विवरण, तो उसमें उसकी सामाजिक स्थिति है, आर्थिक पक्ष है, धार्मिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, शिक्षा है और हर्ष का मूल्यांकन है, ये अपने को करना है। प्रश्न ये प्रश्न आपको करना है। तो कल हम पढ़ेंगे चोल प्रशासन, कला और साहित्य। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।